हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट सच। तो दोस्तों, इस प्रसिद्ध गणेश मंदिर में हर दिन 10,000 श्रद्धालु टेकते हैं माथा। कोई नहीं लौटता खाली हाथ, मिलता है मन चाहे वरदान। जी हाँ दोस्तों, बात करें दोस्तों ऐसे भगवान गणेश का मंदिर, जहाँ पर रोज, जी हाँ दोस्तों, हर रोज 10,000 श्रद्धालु माथा टेकते हैं। दोस्तों, अहिल्याबाई होलकर की नगरी इंदौर में दोस्तों प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर की महिमा अन्य गणेश मंदिरों से कुछ अलग ही है। इस मंदिर की पहचान विश्व के प्रसिद्ध हिंदू मंदिर में की जाती है। मान्यता है कि इस मंदिर में जाने वाले भक्त को कोई इच्छा अधूरी नहीं रहती है। जी दोस्तों, हर एक इच्छा पूर्ण हो जाती है। तो चलिए जानते दोस्तों इनके बारे में कुछ खास अद्भुत रहस्य। तो दोस्तों, ये जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों, इंदौर के इस प्रमुख खजराना गणेश मंदिर में प्रतिदिन 10,000 श्रद्धालु भक्त अपनी मनोकामना पूर्ति की अर्जी लेकर भगवान गणेश के दरबार में पहुंचते हैं। दोस्तों, मान्यता है कि इस मंदिर की 3 परिक्रमा करने मात्र से आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, इस खजराने गणेश मंदिर की सबसे बड़ी चमत्कारिक बात यह है कि जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर यहाँ जाता है, उसकी मनोकामना गणपति जी पूरी कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ की परंपरा है कि जो भी भक्त श्री गणेश के पीठ पर उल्टा स्वस्तिक बनाकर अपनी इच्छा करने के बाद भगवान गणेश को कहता है, तो दोस्तों कुछ ही दिनों में उनकी इच्छा पूरी हो जाती है। जब मनचाही इच्छा पूरी हो जाती है तो भक्त पुनः उल्टे के स्थान पर सीधा स्वस्तिक बना देते हैं। दोस्तों, आपके मन में भी कोई इच्छा हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। वैसे तो देश के सभी गणेश मंदिरों में प्रति बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा अर्चना होती है, लेकिन खजराना के इस गणेश मंदिर में साल के 12 महीने हर बुधवार को, दोस्तों हर बुधवार को दिन हजारों भक्त पूजा करने आते हैं और दर्शन के लिए आते हैं। बुधवार के अलावा माह में पड़ने वाली चतुर्थी, वार्षिक गणेश चतुर्थी या गणेश उत्सव के अलावा अन्य पर्वों पर श्रद्धालु की भारी भीड़ देखने को मिलती है। तो दोस्तों, यदि आपके मन में कोई इच्छा हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, गणपति जी आपकी इच्छा तुरंत पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों, आपकी वीडियो कैसे लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और कमेंट्स में ओम गण गणपते नमः अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।